गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वी कैन से क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11th यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र, ताकि आप वहाँ से इसे समझ पाएँ और अगर ये पेपर में पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। नो, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए सिस्टम हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज्ड, विल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी आल्सो कंजर्व्ड? एक्सप्लेन। आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए सिस्टम हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज्ड, विल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी आल्सो कंजर्व्ड? एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम बात करें एक सिस्टम के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और उस सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिक्रीज कर दें तो क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो कम होगी, ज्यादा होगी या पहले जैसी कंजर्व रहेगी? सपोज दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। वो कह रहा है कि दिस इज कंजर्व, मींस कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है कि अगर इस सिस्टम का जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज कर दूं तो बताएं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, और इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एल, इफ इट इज कांस्टेंट, और अगर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर दिया जाए तो बताएं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो चलिए चेक करते हैं। वी नो दैट, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आप जानते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू नो दैट एल इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा। और ये हमें क्या दे रखा है, इसने कॉन्स्टेंट दे रखा है, एल इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। एक हमने कल वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वो आई थी हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बात भी आपको अच्छे से पता है, ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था, एक कंप्लीट आर्टिकल था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 1/2 आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आई, इट मींस 1/2 आई ओमेगा इसका होल स्क्वेयर अपॉन आई। तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास 1/2 आई ओमेगा इसका होल स्क्वेयर अपॉन आई, इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 1/2। नाउ व्हाट इज आई ओमेगा, दैट इज एल, तो एल स्क्वेयर अपॉन आई। If L is constant, it means kinetic energy is inversely proportional to the movement of inertia. दोबारा देखें, हम ये relation जान चुके हैं कि जो angular momentum है और जो movement of inertia है उसके बीच का जो relation होता है वो ये होता है, L is equal to I into omega, और ये हमें क्या दे रखा है, conserved, means constant दे रखा है। और हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी आई से, तो बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई।
नो व्हाट इज आई इन टू ओमेगा, दैट इज एल, तो आई इन टू ओमेगा को हमने एल कह दिया, तो ये बन गया आपके पास एल स्क्वायर अपॉन आई, बट एल इज कॉन्स्टेंट, यू नो व्हाट इज एल, दैट इज कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो कह रहा है कि इस सिस्टम का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर दिया जाए, सपोज इफ आई इज डिक्रीज्ड, अगर आई जो है हमारा डिक्रीज होगा, देन व्हाट विल हैपन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो पहले जैसी नहीं रही, वो पहले से क्या होगी, बढ़गी। क्या रिजल्ट आया, इफ आई इज डिक्रीज, जैसा कि उसने कहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज्ड। इफ आई इज डिक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बढ़ गई है तो इसका मतलब इट विल नॉट कंजर्व, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल नॉट कंजर्व। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज होने से बढ़ जाएगी और वो कंजर्व नहीं रहेगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में ये पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल शेयर दिस वीडियो एंड अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, फ्रॉम वेयर यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और पेपर में आता है तो आप बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोज़, मेरे चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।